बार की जो एडमिशन की का प्रोसीजर है मैं भी देख रहा हूँ, मैं अभी काफ़ी 2-3 वेबसाइट्स पे गया जिसमें ऑलरेडी 2500 से 3000 बच्चों की लिस्टिंग ऑलरेडी 4 दिनों में हो चुकी है। इस कंडीशन में अगर ये कोटा प्रोसीजर होता तो शायद बहुत डिफिकल्ट होता इन सिचुएशंस को फेस करना एज अ पेरेंट, क्योंकि मैं रियली अप्रिशिएट कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने इतना बोल्ड स्टेप लिया है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो है ना इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। I think this cozy nexus has been broken with this decision, and I think lot of students and lot of parents will have will be relieved by this decision. क्योंकि last year जो हम लोगों ने exercise की अपने बच्चे के admission को लेके वो बहुत ही ज़्यादा horrible थी, but अब मुझे लग रहा है कि बहुत easy हो जाएगा, हर parent बहुत easily अपने बच्चे का admission करा सकता है। मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो सकता है। दिल्ली सरकार ने कोटा ख़त्म किया है, ये बहुत अच्छा किया है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि जो बीच में स्कूल्स प्राइवेट स्कूल अपना वो करते थे और धांधलीबाजी करते थे वो सब चीज़ें खत्म होगी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने की सुविधा प्राप्त होगी। अकॉर्डिंग टू मी द कोटा हैज़ टू बी देयर because there are a lot of people, there are a lot of children who are deprived of the, they have the quality but they are deprived of good education because of the discrimination between the very rich people and the poor people or the medium class people. There is a need for a standardized process considering parents of Delhi are managing between odd and even plan that's in progress right now and the changes in the admission process, it makes things even more complex. I just feel like this indicates that KGWAL is used to only experimenting at people's cost.